Hello guys, thanks for watching my video. If you are visiting the channel first time, please subscribe the channel and share the video with your friends. Today in this video I am going to discuss a poem prescribed by CBSE in class 11, and the poem is The Laburnum Top by Ted Hughes. This poem is very interesting. I will tell you all aspects which make the poem very special and interesting. Let us have a reading of the poem. The laburnum top is silent, quiet, still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing all its seeds fallen. Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. Of chitterings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then floods out to a branch end, showing her bird face identity mask. Then with eerie delicate whistle chirp, whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. Laburnum is the name of a tree with yellow leaves. तो इसको हम लेबरनम कहते हैं. इन द बिगिनिंग द लेबरनम ट्री इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, देर इज नो मूवमेंट. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, नाउ यू सी येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, सनलाइट इज येलो, लेबरनम टॉप इज येलो बिकॉज लीव्स आर येलो. A few leaves yellowing, and those leaves are also yellowing, means autumn season. Those leaves are about to fall. The very first extract, dominant color is yellow. Till the goldfinch. Goldfinch is a bird with yellow feathers. Till the goldfinch comes with a twitching chirp, it means chirp क्या होता है, जैसे sound होती है birds की ची ची करना, वो आती है. A suddenness, a startlement at a branch end. And as soon as she enters the tree, what happens? Suddenly, suddenly excitement is in the tree because its young ones become excited. She must have brought their food. वो उनका खाना लेकर आई होगी, तो पूरी जो ट्री है, पेड़ है, उसमें क्या हो गया, एक एक्साइटमेंट शुरू हो गई है. जैसे ट्री बिकम्स फुल ऑफ लाइफ. देन स्लीक एज ए लिजर्ड, अलर्ट एंड अब्रप्ट. देन स्लीक एज ए, देन एक लिजर्ड की तरह. लिजर्ड क्या होता है, रेप्टाइल, जिसको छिपकली कहते हैं. द गोल्ड फिंच लिजर्ड की तरह स्लीक, अलर्ट, एब्रप्ट. स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट. अलर्ट सावधान, एब्रप्ट सडन मूवमेंट, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट. जैसे होता है स्लीक, दुबला पतला, स्मूथ, तो उसको हम स्लीक कहते हैं. वो लिजर्ड की तरह गोल्डफिंच क्या है, स्लीक है, अलर्ट है, एब्रप्ट है. शी एंटर्स द थिकनेस. थिकनेस, थिक उसकी अम्ब्रेला है ट्री की, लबनम की. ए मशीन स्टार्ट्स अप. एज सून एज शी कम्स देयर, द एंटायर ट्री बिकम्स एक्साइटेड. एक्साइटमेंट शुरू हो जाता है उसके यंग वंस, उसके जो बच्चे हैं, जैसे उनमें जान आ गई हो, ट्री में भी जान आ गई हो.
जैसे मशीन स्टार्ट हो जाती है साउंड्स के साथ, आवाज के साथ। और कौन सी साउंड? स्टार्ट्स ऑफ चिटरिंग्स, जैसे चीची करना होता है, सॉफ्ट साउंड निकालते हैं बच्चे। ट्रेमर ऑफ विंग्स, विंग्स की ट्रेमर, फड़फड़ाहट जिसको हम कहते हैं। ट्रेलिंग्स, ये भी उसी की साउंड को कहते हैं, बर्ड की साउंड को। तो उसके साथ ही ऐसा लगता है जैसे एक मशीन स्टार्ट हो गई है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। ट्रेम्बल वैसे कांपने को कहते हैं, यहाँ पर जैसे एंटायर ट्री इज स्वेइंग विद द थ्रिल एंड एक्साइटमेंट ऑफ दोज बर्ड्स, जैसे फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, और वो एनर्जी उनमें आ जाती है। शी स्टोक्स इट फुल। व्हाट इज स्टोक? जो स्टीम इंजन होते हैं तो ड्राइवर और हेल्पर स्कूप में कोल डाल डाल के उसको जो है आग में डालते हैं, इंजन में है। तो ऐसे ही कोई भी चीज उसको एनकरेज करना, तो यहाँ पर उसको स्टोक कहेंगे। तो हियर स्टोक मीन्स एनकरेज करना, और वो भी अपने बच्चों को जो है पूरा स्टोक करती है, एनकरेज करती है टू द फुल। और द ट्री बिकम्स लाइवली, फुल ऑफ लाइफ, देर इज एक्साइटमेंट एंड देर इज नॉइज, सब कुछ होता है। द एंटायर ट्री इज स्वेइंग, देर इज थ्रिल, स्टार्टलमेंट, चर्पिंग, ट्रिलिंग्स। एंड देन व्हाट हैपन्स? द गोल्ड फिंच प्लेज इट्स रोल, शी गिव्स देम फूड एंड आफ्टर दैट शी फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड एंड शी कम्स आउट। उस अम्ब्रेला से वो बाहर आ जाती है, ब्रांच की एंड पे, टहनी पर आ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस, बार्ड हियर यू सी इन द पिक्चर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको हम बार्ड बोलेंगे, ब्लैक जो लाइन्स है। ये बार्ड फेस है, ये जो लाइन्स है यही उसकी आइडेंटिटी है, किसकी? गोल्ड फिंच की। वो ट्री क्या है? येलो है, गोल्ड फिंच भी और येलो है, तो ट्री वर्क एज कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज किसे कहते हैं? जो चीज तुम्हें कवर करती है एंड द अदर पर्सन इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज, उस चीज को हम कैमोफ्लाज कहते हैं। सिंस लबनम इज येलो एंड गोल्ड फिंच एंड यंग वंस आर ऑल्सो येलो, द ट्री इज प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स क्या होते हैं? शिकारी। ये ट्री उनके लिए एक अम्ब्रेला का काम करता है, एक सेफ हेवन है, सेफ होम है उनके लिए। तो उसने उस टाइम बाहर आकर अपनी आइडेंटिटी को शो किया, इट मीन्स शी हैज कम आउट ऑफ द ट्री, और ट्री के बाहर एक उस पे ब्रांच पर आ गई। देन विद ईरी डेलिकेट विसल चर्प विस्पिंग्स शी लॉन्चेज अवे। ईरी मिस्टीरियस वे में विसल करके अपने चर्पिंग के साथ, और वो बड़ी मिस्टीरियस वे में। वैसे ईरी हम फ्राइटनिंग को भी कहते हैं, कोई चीज ऐसी हो कि तुम्हें डराए, तो यहाँ ईरी का मतलब मिस्टीरियस वे में। एंड शी फ्लाइज अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट यहाँ किसके लिए? स्काई के लिए, लिमिटलेस स्काई। एंड द लबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लबर्नम जो ट्री है वो दोबारा से अगेन इट बिकम्स क्वाइट, और वहाँ पर क्वाइटनेस आ जाती है, बिल्कुल शांत हो जाता है। इन द वेरी बिगिनिंग द ट्री इज साइलेंट एंड क्वाइट एंड एट द एंड ऑल्सो द ट्री इज साइलेंट एंड क्वाइट। तो दिस इज योर पोएम। ये आपके मेजर यू विल सी यूज ऑफ वर्ड्स बाय द पोएट।
साउंड वर्ड्स ट्वीचिंग, ट्वीचिंग का लिटरल मीनिंग जैसे आप एकदम ऐसे मूवमेंट होती है, चर्प, चिटरिंग, ट्रेलिंग, ये सब यंग वंस या बर्ड्स जो साउंड निकालते हैं, ट्रेमर मूवमेंट को कहते हैं, जैसे अर्थक्वेक के टाइम ट्रेमर आता है, विसल एंड विस्परिंग, विसल सीटी को विस्परिंग, स्लोली जब हम कोई बात करते हैं सॉफ्ट उसमें तो दैट इज विस्परिंग. तो दिस नाउ सम मोर एस्पेक्ट्स, थीम ऑफ द पोएम, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज होना. In my opinion, in a way, the poet wants to give indication to human life also. Human being comes in the world, plays his or her role, and they also go away towards the infinite. Infinite ki or chale jaate hain. To ye process of transformation hai. Kaise life mein changes aate hain, transform hoti hai. Second aspect is use of figure of speech. There are two major figures of speech there. One is simile. When the poet compares the bird with lizard, that is simile. Metaphor, goldfinch is engine. यहाँ पे comparison वो नहीं है एज और लाइक यूज करके, जैसे उसने लिजर्ड की जगह यूज किया है, एज ए लिजर्ड दैट इज अब्रप्ट एंड अलर्ट, हियर नहीं है, डायरेक्ट उसको क्या बना दिया, इंजन बना दिया, शी इज द इंजन ऑफ फैमिली. तो हियर क्या है, इंजन मेटाफर है, जैसे इंजन एक गाड़ी को मूवमेंट देता है, लीड करता है. सिमिलरली गोल्डफिंच इज द मदर एंड शी इज गिविंग लाइफ एंड मूवमेंट टू हर फैमिली. जैसे एक गाड़ी बिना इंजन के खड़ी रहती है तो वो ट्री भी जो है वो क्वाइट और स्टिल था विदाउट मदर गोल्डफिंच. तो हियर मेटाफर यूज. नाउ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस. Why does the poet compare goldfinch with lizard? What is the dominant color in the poem? Pick words of sound. Poem में बहुत sound के words use किए गए हैं, आप उनको pick करके और मुझे answer दें. I hope you will do. और जाने से पहले मेरी आपसे request है कि आप channel को subscribe करें, video को like करें, और जो आपके फ्रेंड्स अभी 11th क्लास में प्रमोट हुए हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें. आपका शेयर मुझे मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए और वीडियोस क्रिएट करें.